तरीके से मुसलमान खवातीन के लिए सत्र और हिजाब के अहकाम, उन पर अमल पैरा होना। और इसमें यह नोट कर लीजिए कि अगर हम कोई अपने जहन से बनाए हुए कोई तसव्वुरात रखेंगे पर्दे के, तो वो तो फिर अल्लाह ताला की निगाह के अंदर उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो तो जो भी दीन की तालीम है उसके मुताबिक पर्दा हो। बड़ी तफसील के साथ जो महरमों की फहरिस्त दे दी गई है कुरान मजीद में, बड़ी तवील आयात में से सूरह नूर की वो आयत जिसमें कि पूरी तफसील दे दी गई है कि जिनके सामने एक मुसलमान औरत आ सकती है जो उसके महरम है, उनके अलावा किसी के सामने मुसलमान औरत बेहिजाब अगर होकर आती है, तो फिर जाहिर बात है कि अगर वो एक के सामने आ गई तो दस के सामने आ जाए, उससे कोई फर्क वाकई नहीं होता। फिर वो हुक्म तो टूट गया, शरीयत की हुदूद तो गोया कि हमने उनसे तजावुज कर लिया। अगर तो शरीयत पेशे नजर है, अल्लाह का हुक्म पेशे नजर है, तो कुरान मजीद की इतनी तवील आयत में जो रिश्ते गिनवा दिए गए हैं, मसलन एक खातून के लिए अपना चचा और अपना मामू ये महरम है, शौहर का चचा और शौहर का मामू महरम नहीं है, वो ना महरम है। यहां तक उस आयत के अंदर है, वह निसाए हिन्ना, आम खवातीन जो अजनबी खवातीन वो भी गोया के ना महरमों में शामिल है। कि वजह साफ नजर आती है कुरान मजीद में, सूरह अहज़ाब में भी आया है लफ्ज़, और सूरह निसा में, वह निसाए हिन्ना अपनी औरतें, जानी पहचानी औरतें, उनके माबैन उनसे मिलना जुलना और उनके सामने आ जाना अपनी जीनत के साथ और बगैर हिजाब के, आम खवातीन को भी उससे खारिज किया है। आम मेल जोल पसंद नहीं है, बसा औकात बड़े फितने जो है अजनबी किस्म की खवातीन घरों में आकर सौ तरह के फितनों का अंबूजी बन जाती है। तो ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए हमें कि अगर तो शरीयत पर अमल करना है तो फिर जो शरीयत के अल्फाज हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, मेरे नज़दीक तो असल में सबसे ज्यादा बड़ी दलील जो है वो ये है कि कुरान मजीद ने सूरह नूर में महरमों की जो फहरिस्त दे दी है, इसके सिवा मुसलमान औरत का बेहिजाब किसी और के सामने आना, इल्ला ये कि इमरजेंसी हो, मरीज है, डॉक्टर के पास गई है, तो जाहिर बात है कि वहां पर जिस हद तक जरूरी है वो डॉक्टर से वो बेहिजाबी हो सकती है। लेकिन ये कि जहां कोई हकीकी जरूरत मौजूद न हो, खुदा ना खास्ता कोई मुसलमान औरत जो है कहीं किसी जगह किसी नहर में पानी में तालाब में डूब रही हो, अब यहाँ नहीं देखा जाएगा कि कोई महरम ही मर्द हो और वो जाकर उसे बचाए, ये तो इमरजेंसी की सूरत हाल है। खुदा ना खास्ता किसी घर में आग लग गई हो और उसमें से अब रेस्क्यू ऑपरेशन हो और बच्चों को खवातीन को निकालना हो, यहाँ महरम और नामहरम की तकसीम नहीं रहेगी। लेकिन आम हालात में महरमों और नामहरमों के माबैन वो फ़र्क व इम्तियाज और महरमों की वही फहरिस्त कि जो कुरान मजीद में आ गई है, इससे तजावुज करना दर हकीकत फिर गोया के शरीयत के उस हुदूद को एक मरतबा फलांग देना तो है। अब ये कि ये दलील लाना कि जो आम तौर पर मिलते जुलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये दलील इससे ज़्यादा बोधी दलील और कोई नहीं हो सकती, इसलिए कि मर्दों और औरतों के बाहम मिलने जुलने में ज़्यादा फितना वही होता है जहाँ ज़्यादा मिलने के मौके हों। बाजार में चलते हुए किसी मर्द ने किसी औरत को देखा, किसी औरत ने किसी मर्द को देखा, कुछ पता नहीं है कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है, फिर पता नहीं मिलना दोबारा कभी होता या नहीं होता। वो एक मर्तबा के देख लेने से फर्ज कीजिए दिल पर कोई बुरा ख्याल एक वक्ती तौर पर आ भी जाए, तो उसके परवान चढ़ने और पनपने के मौके नहीं होते। लेकिन जो कजिन घरों में आ जा रहे हों, या जो सालियाँ और बहनोइयों का आपस के अंदर जो है वो जाहिर बात है कि मिलना भी है बैठना भी है, ये तो फिर इख्तलात होगा, तो ये कोई सालों बाद का इख्तलात नहीं है, ये तो इसके मौके जो है वो आते रहते हैं। और जितना इसका इम्कान है कि इस सूरत हाल में फितने के पैदा होने का, वो आम सड़क पर चलते हुए किसी नामहरम को देखने में उतना फितना नहीं है। इस एतबार से अगर तो हिजाब और सत्र के अहकाम की कोई अकली बुनियाद है, तो फिर वो इस कैफियत में घरों में आम आमदोरफ्त जो है, जो आम कजिन्स का आना जाना है, या ये कि रिश्तेदारियों का और बहनोई का और साली का मामला, या ये कि इसी तरीके से देवरों का मामला, देवर और भाभी का मामला, ये चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इसीलिए हदीस में आए हम वो मौत, ये जो रिश्तेदारियां हैं, इन लॉस जिन्हें हम कहते हैं, इसके बारे में हम जो है वो सिर्फ देवर को नहीं कहते, बल्कि ये कि जो भी शौहर के रिश्ते से रिश्ते बने हैं, जिसे कि अंग्रेजी में आप इन लॉ कहते हैं, ब्रदर इन लॉ और सन इन लॉ और फला इन लॉ, ये जो इन लॉस का मामला है, सन इन लॉ का लफ्ज गलत निकल गया मेरी जबान से, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, और फिर ये कि फादर इन लॉ भी एक तो हुआ कि जो बाकी बीवी का शौहर है, बीवी का वालिद है या वालिद का बाप है, लेकिन ये कि वालिद का चचा
شوہر کا چچا یہ یقیناً نابحرموں کی فہرست میں آ جاتا ہے، اپنا چچا بحرم ہے ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ محرمات ابدیہ وہی ہیں کہ جن کی کسی حالت میں بھی آپس میں نکاح کا کوئی امکان نہ ہو۔ لیکن یہ کہ اگر نکاح ہو سکتا ہو، فرض کیجئے کہ شوہر کا چچا ہے، شوہر اگر فوت ہو جائے معاذ اللہ، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو پھر یہ بیوہ جو ہے یہ شادی کر سکتی ہے، اس کا رشتہ ہو سکتا ہے اس شوہر کے فوت شدہ شوہر کے چچا کے ساتھ، وہ ہمیشہ کے لیے محرم نہیں ہے اس کے لیے۔ محرمات ابدیہ جہاں پر ہو جاتے ہیں وہاں پر در حقیقت محرم کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور اس کی فہرست ہے جو قرآن مجید میں دے دی گئی ہے سورہ نور میں، اس سے تجاوز کر لینا، اصلاً آپ نے ایک حد کو پار کر لیا، اب اس کے بعد معاملہ کوانٹیٹیٹیو رہ جائے گا، اب وہ صرف جو ہے کمیت کا معاملہ ہے۔ اصولی اعتبار سے شرعی پردہ وہی ہوگا جس میں کہ ایک عورت بے حجاب صرف ان لوگوں کے سامنے آئے جن کی تعین کے ساتھ فہرست قرآن حکیم میں سورہ نور میں دے دی گئی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج کے دور میں واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ سخت امتحان اور اس سے زیادہ اپنے اسلام کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے اس سے بڑی آزمائش اور کوئی نہیں ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔